वेलकम बैक, आई एम योर धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। बेटा आज हम लोग सेंटेंस, पता क्या है, आप लोगों की डिमांड पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने कहा कि सर सेंटेंस सोच पाता हूँ, लिख नहीं पाता, बड़े बड़े सेंटेंस होते मैं कर नहीं पाता, कोई भी तूफान सेंटेंस हो आज के बाद तुम्हें को रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। आज के बाद तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम जितना मर्जी बोलो, जितना मर्जी लिखो, आज के बाद बस जितना राइटिंग का वीडियो है ये सारे वीडियो एक एक करके देखो और पूरे भारत में सारे बच्चों को मदद करो जिनको अंग्रेजी की आवश्यकता है। बस देखते हैं करके कैसे अंग्रेजी लिखते हैं और कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, आज और अभी से देखना शुरू करो। एक सेंटेंस लेते हैं पहले कि कैसे लिखा जाए। हमने एक सेंटेंस लिया कि भारत के सुदूर भागों में, बस आप भी साथ साथ लिखो, भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है। ठीक है, अब एक सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं कि भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है। अब उन्हें बोला कि भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है। अब सेंटेंस होता क्या है कि हम लोग सोच लेते हैं, लिखे कैसे, सोच नहीं पाते, बोले कैसे, इसी को अंग्रेजी बोलना भी है, इसी को लिखना भी है, तो कैसे करें सर? तो देखो, भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है। अब जो देखो बेटा, गरीबी तथा अशिक्षा है, राइट? तो कल हमने पिछले क्लास में आपको एक वीडियो दिया था जिसमें कहा था कि बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनाइए। तो बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस, जिसको मैं नाम दिया था कि वह सेंटेंस जिसका कोई डूअर ना हो, उसे हम आवारा सेंटेंस कहते हैं। अब देखो, गरीबी तथा अशिक्षा है कि यहां पे आ गया कंजंक्शन। तो जब भी कोई कनेक्टर्स, कंजंक्शन नहीं कहेंगे, कनेक्टर्स, तो जब कोई कनेक्टर्स आ जाए या प्रेपोजिशन आ जाए, जब भी कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो उस सेंटेंस को हम उतना दूर से छोड़ देते हैं, बाद में लेते हैं। तो इतने सेंटेंस को हम बाद में बनाएंगे। पहले बच गया गरीबी तथा अशिक्षा है। क्या बच गया? गरीबी तथा अशिक्षा है। तो गरीबी तथा अशिक्षा है, इसका अंग्रेजी हम चलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी सेंटेंस का स्टार्ट ए करेगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर देयर से होगा, यानी देयर प्लस इज एम आर, उसके बाद जो मेन नाउन होगा उसकी बात करेंगे। तो यहां इसका बनेगा अंग्रेजी पहले, इसको बनाएंगे बाद में। तो पहले क्या बेटा, गरीबी तथा अशिक्षा है। तो गरीबी का पता है पॉवर्टी, अशिक्षा का इलिटरेसी। तो गरीबी तथा अशिक्षा, तो गरीबी पॉवर्टी एंड इलिटरेसी है का इस सुदूर भागों में, रिमोट साइट्स, भारत, इंडिया। अब कैसे होगा? तो देखो, शुरू करेंगे हम लोग देयर से। तो देयर इज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, देयर इज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। ठीक है बेटा, तो गरीबी तथा अशिक्षा है कहां बाबू? में, सुदूर भागों में। तो सुदूर का मतलब हो गया रिमोट साइट्स, तो सुदूर भागों में। तो हमने क्या किया, इन का मतलब में हो गया। अब चलेंगे पीछे से अंग्रेजी ऐसे, है ना? तो सुदूर भागों में, तो इन रिमोट साइट्स, सुदूर भागों में कहां भाई? भारत के, तो ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, गरीबी तथा अशिक्षा है, यहां अंग्रेजी हमने पहले करा, यहां से चला हमने ऐसे, यहां से फिर वापस ऐसे मुड़ गए, फिर यहां के जोड़ दिए, राइट? यहां से चला देयर इज अ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, फिर यहां से वापस ऐसे चला, फिर हमने मोड़ दिया इन इन रिमोट साइट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखो और भी, सेकेंड फेज देखो, एग्जाम्पल बस देखो, मेरे साथ आप सीखने का प्रयास करो। और भी सेंटेंस तूफान लेते हैं, आपको बोलना हो, आपको लिखना हो, मान लो बोलना हो कि बिहार के कोने कोने भ्रष्टाचार था, लिखो बिहार के कोने कोने में भ्रष्टाचार। जो दिमाग में आता है जितना मर्जी करता है बोलो अंग्रेजी, जो मन करता है। हमने जितना वीडियो दिया यूट्यूब पे, सब्जेक्ट वाला और विदाउट सब्जेक्ट वाला, दोनों को बनाइए आप। हमने कहा बेटा भ्रष्टाचार था, में मिल गया कनेक्टर्स। तो जब भी आपको कनेक्टर्स मिल जाए तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि उसका अंग्रेजी हम बनाएंगे
पीछे से, मतलब बाद में बनाएंगे। जो बच गया भ्रष्टाचार था उसको ऐसे चलेंगे, यहां से चलेंगे फिर उसको ऐसे मोड़ के यहां जोड़ देंगे हम लोग, क्लियर, ऐसे लेंगे मोड़ देंगे। अब भ्रष्टाचार था इसमें सेंटेंस है ही नहीं, पता नहीं चल रहा कैसे बनाए, तो जब ना पता चले तो देर की सहारा लो। किसका सहारा? देर का। देर वो चीज है जो लवारिस को बनाता है वारिस। अब यहां पर भ्रष्टाचार था तो हमने बोला भ्रष्टाचार था तो धा का हो गया देयर स्ट्रक्चर, कल के वीडियो में देख लेना देयर वाज। अब देयर वाज क्या? करप्शन। देयर वाज करप्शन, भ्रष्टाचार था, तो भ्रष्टाचार था यहां तक हो गया ऐसे, भ्रष्टाचार था आगे चला हमने। अब इसको यहां से मोड़ दिया पीछे से मे, तो मे का कर दिया इन, कहां भाई? कोने कोने में, बिहार के कोने कोने में, यानी कोने कोने अंग्रेजी पता होना चाहिए ना, तो इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ बिहार, तो जोड़ दो इन एवरी, इन एवरी नूक और कॉर्नर, फ्रेज हो गया इन एवरी नूक और कॉर्नर, फ्रेज हो गया कहां भाई? के तो ऑफ बिहार, बिल्कुल सिखा रहा हूं आपको। तो इन एवरी हमें क्या बनाया फाइनल? देखो देयर वाज अ करप्शन, देयर वाज करप्शन इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ बिहार, यहां तो बन गया। और देखिए सेंटेंस, यहां मैं बात करूं आपसे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं तरह तरह की अंग्रेजी, तरह तरह की बुलवाने का प्रयास कर रहा हूं। बोलो, हमने मान लो कहा कि आजादी से पहले भारत में पूंजीवाद, सामंतवाद और उपनिवेशवाद का शासन था। हमने कहा कि आजादी से पहले भारत में पूंजीवाद, सामंतवाद और उपनिवेशवाद का शासन था। अब इसको बोलना है अंग्रेजी, लिखना अंग्रेजी, सर कैसे कर इतना बड़ा है? बिल्कुल आसान है, बस जैसे कहता हूं अब चलो मेरे साथ, कैसे पर लिखता हूं मैं। हमने कहा आजादी से पहले भारत में, लिखो आराम से, आजादी से पहले भारत में, आज से पहले भारत में पूंजीवाद, सामंतवाद तथा उपनिवेशवाद का शासन था, राइट आप बस देखो, आपके साथ में लिख रहा हूं, आप बस सीखने का प्रयास करो। आजादी से पहले भारत में, मिल गया तुम्हें कनेक्टर्स में, तो जब भी आपको मिल जाए कनेक्टर्स, आप हमेशा ध्यान रखो कि हम अंग्रेजी ऐसे चलेंगे उसका बेटा, ये ध्यान दो। अब बच क्या गया? पूंजीवाद, सामंतवाद, उपनिवेशवाद का शासन था, मेन क्या है? शासन था, तो क्या बनेगा? देयर, काम करा दिमाग, देयर वॉज था, देयर तो फुलफिल कर रहा है, तो देयर वाज करप्शन, शासन था गवर्नेंस, देयर वाज गवर्नेंस, देयर वाज गवर्नेंस। अब हमने कहा शासन था, देयर वाज रूल, देयर वाज गवर्नेंस, यहां तक काम चल गया। अब देखना क्या बेटा, पूंजीवाद, सामंतवाद तथा उपनिवेशवाद का भी एक कनेक्टर है, तो यहां पर जोड़ना पड़ेगा कि देयर इज गवर्नेंस का, क्या किसका? ऑफ, ऑफ मतलब का। अब चलेंगे किस कहां से? पूंजीवाद, सामंतवाद, उपनिवेशवाद। तो पूंजीवाद, पूंजी क्या क्या होता है? कैपिटल। अब कैपिटल जब वाद वर्ड हो, वाद वर्ड, तो उसमें जो होते हैं आईएसएम, तो कैपिटलिज्म हो गया, है ना, तो कैपिटल पूंजीवाद, राइट। फिर जो होता है सामंतवाद, तो सामंत का होता है फ्यूडल, फ्यूडल, और फ्यूडल में जोड़ दिया बाद, तो बाद में जोड़ दिया आईएसएम, फ्यूडलिज्म। अब बच गया वो तथा, तो तथा का अंग्रेजी एंड, उपनिवेशवाद बाद, तो कोलोनियल पता होगा आप लोगों को, कोलोनियल, अब जोड़ दिया बाद आईएसएम, ठीक है बेटा, अब यहां तक काम हो गया। अब हम चलेंगे यहां, चल दिया ऐसे, अब यहां के बाद यहां जोड़ देंगे मे, तो मे आ गया, तो मे कहां हो गया? इन, इन, एक एक लाइन सीखो, तो क्या जोड़ा? इन कहां भाई? भारत, इंडिया, अब इंडिया आ गया, अब इंडिया क्या? से पहले आजादी, तो से पहले आजादी, यानी आजादी से पहले, तो बिफोर से पहले का क्या हुआ? बिफोर, बिफोर आजादी का लिबर्टी,
ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक हो गया। हमने क्या कहा, आजादी से पहले भारत में पूंजीवाद, संबंधवाद और उपनिवेशवाद का शासन था। देयर वॉज गवर्नेंस ऑफ कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म एंड कॉलोनिज्म इन इंडिया बिफोर लिबर्टी। अब सेंटेंस हमने कहना क्या चाहा, तूफान सेंटेंस हो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, बस धर्मेंद्र सर का तीन वीडियो देखो। पहला वीडियो जिसपे आपने बेहतर काम किया है, जिसपे आपको सिखाया हूं कि कोई भी सेंटेंस लिखो। दूसरा इस तरह से देखो, बड़े बड़े सेंटेंस आप सोचो, बस दो सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट है तो आपके पास होना चाहिए दो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना आपको आज के बाद। कॉन्सेप्ट नंबर वन, और कॉन्सेप्ट नंबर वन ये कहता है बेटा कि जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करें, और अगर सब्जेक्ट आपका यहां पे कोई हो, लिविंग हो, और लिविंग हो तो सब्जेक्ट प्लस यहां पे कोई भी एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी वर्ब आ सकता है, प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हो। सेकेंड थिंग ये है कि अगर सब्जेक्ट ना हो तो आप शुरू करो देयर से, ठीक है। इसको साफ लिखता हूं, और सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, मतलब इसको तुम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, यहां कह सकते हो मेन वर्ब, और मेन वर्ब में V1, V2, V3, V4 और V5। ये सब होता क्या है, ये आपको क्लास वीडियो में दिया हुआ है। इसके बाद देयर लगा देना है, इज है, वाज है, विल भी है, शुड भी है, कुछ भी लगा सकते हो। और लगाने के बाद यहां पे आप ए एन चाहो तो लगाओ अकॉर्डिंग टू नाउन, और नाउन देख करके आप अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और जो मन करे बोल सकते हैं। हमने कहा एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक राजा है, देयर इज अ किंग। एक सांप है, देयर इज अ स्नेक, ठीक है। तो जो मर्जी कर बोल सकते हो। हमने बोला वहां पानी ही पानी है, जहां सब्जेक्ट ना हो पानी ही पानी है। स्ट्रक्चर देख लो, देयर इज नथिंग बट प्लस नाउन। हमने वहां पानी पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर, वहां देयर, तो देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। वहां धूल ही धूल है, देयर इज नथिंग बट डस्ट देयर। यहां लड़के ही लड़के हैं, देयर इज नथिंग बट बॉयज हेयर, है ना। तो यहां पे आप जो भी करो अदर वर्ड जोड़ सकते हो। हमने कहा देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स हेयर, इसका मतलब यहां हर हाल में इज होगा, हर हाल में वाज होगा, क्योंकि नथिंग तुम्हारा सिंगुलर है, इसलिए यही के अनुसार तुम्हारा वर्ब डिसाइड होगा। कभी यहां पे आर मत लगाना। तो देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स, देयर इज नथिंग बट क्राउड, देयर इज नथिंग बट डस्ट, देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स, देयर इज नथिंग बट गर्ल्स, वहां लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो देयर इज नथिंग बट गर्ल्स देयर। तो हजारों सेंटेंस आप बोलो, हजारों लिखो। और हां, खास बात ध्यान रखना बेटा, अगर आपको सिस्टमेटिक क्लास चाहिए तो अब दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली बहुत नजदीक है। आ जाओ, 4 महीने की बात है, एक बार बढ़िया से पढ़ी लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। उसके साथ अगर चाहते हो आने मजबूर हो, नहीं आ सकते तो आप मोबाइल पे सिस्टमेटिक क्लास पढ़ सकते हो, उसका भी सुविधा है। इसके साथ साथ आप यहां पे जो भी दिया हुआ है www.dsl.com वहां पे जाके सिस्टमेटिक क्लास ले सकते हो। इसके साथ साथ बच्चे, उन बच्चों की मदद करो ना जिनको जरूरत है। तो ये वीडियो पूरे भारत में ऐसे फैलाओ कि अंग्रेजी की क्रांति फैल जाए, ठीक है। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच।